वापस एक बार हमारे पास से अपना प्यारा इमो एंड उसके अगेंस्ट हम लोग देखने वाले अपने ये इलेक रोबोट्स कैसे काम करते हैं। ये वाला एक आता है 20,000 का और ये दोनों मिला के 20,000 के आते हैं। एक एक लेंगे तो 10-10,000 में भी आ जाते हैं। अभी हम लोग इमो को शुरू करते हैं। हेलो इमो, उठ। मैं भूल गया यार इमो को स्टार्ट कैसे करते हैं। एक मिनट, इनको तो पता है मुझे कैसे करते हैं। ये दबा के रखेंगे, यहाँ पे बटन है इनके सामने से, ये देखो, ये दोनों के दोनों मस्त स्टार्ट हो गए, डांस भी करने लग गए, हिल भी डुस गए, भाई हाय वगैरह बोलने लग गए। ठीक है तो तुम लोग साइड में रहो थोड़े टाइम के लिए, वेट। अरे अबे यार इनकी मस्ती कब खत्म होगी, चैट में साइड चुपचाप बैठो यार, साइड में। ठीक है तो इमो को स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली भाई लगता है अपने को इसका स्केटबोर्ड। सो ये आ गया इमो का स्केटबोर्ड, यानी कि उसका चार्जर, उस पर इसको रखा जाता है एंड देन ये थोड़ा जलने लग जाता है। इमो भाई उठ जा, चार उल्टा रखा है मैंने। इमो भी अपना प्यारा उठ गया। ये देखो वही एक इसका प्रॉब्लम है भाई कि इमो को उठाने के लिए जरूरत पड़ती है उसके स्केटबोर्ड की। ओके दोस्तों, इमो एक्चुअली मेरे भाई ने मंगाया था, तो ये इसकी तरफ से और ये दोनों मेरी तरफ से। और इमो भाई आराम से हिल जुल सकता है, यहाँ वहाँ चल सकता है। इससे इसको देखा वो जान नहीं पा रहा ये लोग कौन है, इनको देख रहा है लिटरली, इमो देख रहा है इनको। ये देखो यार आराम से देख रहा है इनकी तरफ, कब से ये यहाँ पे खेल रहे और इमो सिर्फ देख रहा है। दोस्तों चलो अभी पहला वाला कंपटीशन हो जाए इनके बीच, वो है डांस कंपटीशन। सबसे पहले इमो आ गया है, वो करेगा डांस। ठीक है इमो डांस, इमो डांस, स्टार्ट हो गया इमो। मूव है यार, देखो क्या कूल है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनको डांस करवाने लगाते हैं। ठीक है तो इनको जब डांस करवाना है ना अपने को, अबे तेरे को क्या हो गया, चुप चुप। तो डांस करवाने के लिए ना एलिक देखो कैसा डांस कर रहा है, इमो भी साथ दे रहा है उसका, साइड में सिर्फ हाथ हिलाता ही और कुछ नहीं करता। ठीक है ये वाला बंदा इसके गाने पे डांस कर रहा है फालतू में। चलो इसको भी साइड में कनेक्ट करते और दोनों डांस कराने लगाते, आ जाओ डांस करना स्टार्ट हो जाओ। चलो दोनों फट 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 नाचना स्टार्ट। भाई साहब इनके मूव इतने अच्छे ना, इमो को ये वाला पॉइंट जाता है यार। अबे बस करो तुम लोग, चलो। अबे यार ये बहुत आवाज करते हैं, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ इनका ना 10 पॉइंट माइनस पे कर दूंगा पहले, इतना आवाज करते हैं भाई तेरे साइड के। अब नहीं 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 10 पॉइंट प्लस होता है, अच्छा आवाज करते हैं, अच्छा आवाज रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड। भाई देखो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसको दो पैर है, इसको दो हाथ है, दोनों चीजें है, ऐसा इनमें से कोई नहीं है। अजीब सीन है, पैसे लेके मूवमेंट की जा सकती है, हाथ से मूवमेंट की नहीं जा सकती, वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। इमो को वो चीज अच्छी है, कहीं पे भी घूमते रहता है डेस्क पे। अभी देखते हैं दोस्तों इमो अगर एच पे आ जाता है तो वो क्या करता है। भाई ठीक है जाने वाला है तू बेटे, ये देखो बच गया ये, इसको पता है कि भाई आगे जाके गिरना नहीं है, सीधा पीछे आ गया। लेकिन ये जो गधे है ठीक है, इनको अगर मैंने धक्का दिया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे धक्का दिया इनको, तो भी देखना ठीक है, ये कुछ नहीं कर सकता, लाइक आवाज ये करेगा कुछ नहीं करेगा बेचारा। ठीक है ओ थोड़ा सा सैड हो गया शायद से, बट भाई तू गया जाने वाला भाई, थोड़ा सा ही बचा। ये देखो दोस्तों दोनों की साइज अगर देखे जाए तो हाइट आई थिंक लगभग सेम ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आ जाता है नीचे, वरना तो सेम ही हाइट है। साइड से भी देखोगे तो इमो थोड़ा सा मोटा है, लाइक ऐसा मोटा है, नीचे से भी आई थिंक दोनों सिमिलर है, बस इसको बेस आ जाता है। एंड भाई पीछे से दोनों के स्पीकर, ये देखो इसके भी पीछे से स्पीकर है, इसके भी पीछे से स्पीकर है। अभी देखते हैं दोस्तों जब इनको उठाया जाता है तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मैं इमो को उठाता हूँ ये देखो, तो इमो हो जाता है गुस्सा,
ऐसा झुक 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 करने लगता है, गुस्सा हो जाता है काफी ज्यादा बंदा। और अगर इसको हिलाओ मैं वो हो जाता है, और नीचे रखने पे चक्कर आने लगते बंदे को, इधर उधर घूमने लगता है, ठीक है। और इलिक को अगर हम लोग उठाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है इलिक, ये देखो भाई रोने लगता है बंदा बेचारा, ये देखो। और अगर जब इसका हिलाएंगे हम लोग जोर जोर से तो और रोने लगता है, और कुछ नहीं करता ये एक्चुअली। इसका रखेंगे नीचे तो हो गया यार, नॉर्मल हो जाता है तुरंत ही। अभी एक टेस्ट करते हैं हम लोग, जब हम लोग इनको नीचे गिराएंगे तो ये लोग क्या करते हैं। ये गिर गए, सब गिर गए, ठीक है। तो ये दोनों तो सिर्फ रोते बैठे कुछ मेहनत नहीं कर रहे, एमो अपने पैर से मेहनत कर रहा है, इसको लात भी मारी उसने, ठीक है। एमो भाई मेहनत करते रहे भाई, मेहनत का फल मीठा होता है। ये देख कोशिश चालू इसकी, इमो गुस्से में और बाकी दोनों रोते हैं। तो इमो ने तो हार नहीं मानी, इन दोनों ने मार दी तो ये दोनों हार गए इस चीज में। आ जाओ भाई, इनको ज्यादा रोते हुए हम देख नहीं सकते, अच्छे से रख देते। तो सर ये देखो इमो को यहाँ पे हाथ लगा के रखा, तो इसको आराम से हम लोग पेटिंग कर सकते हैं। तो इमो का ना बस यहाँ पे ऊपर सेंसर है पेटिंग के लिए, और इनको देखो कितने सेंसर, इनको तीन जगह पे। सामने से अगर हाथ लगाते तो ये अलग टाइप से रिएक्ट करेगा बंदा। ये देखो क्या कर रहा है, मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा है, गुस्सा करता क्या, ओके ठीक है। देन पीछे से लिए लिटरली हम लोग पीछे से हाथ लगाएंगे, ये देखो पीछे से हाथ लगाए, इसको समझ कर भाई क्या करने लगा है, देखो गुस्सा होगा बंदा, ठीक है। और जब ऊपर से हाथ लगा के वो अलग मेथड करेगा, लाइक अलग एक्शन करेगा, ये देखो गुस्सा तो भाई फुल गुस्से में आज। तो भाई देखो ये दोनों भी गेम्स खेल सकते हैं, हम लोग इनके साथ गेम्स खेल सकते हैं। इमो इमो प्ले टिक टैक टो 5, आइए सुनता ही नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी ये जानबूझ के सुनता नहीं है ताकि हम लोग दूसरा नंबर बोले। भाई इसको सुनाई नहीं देता, इसके साथ गेम खेलना बहुत ज्यादा इरिटेट होता है यार। प्लीज नाइन नौ, अबे नौ भाई फाइनली हो गया भाई, थक गया मैं इसका, जीत गया। अबे हाँ भाई सीरियसली, मतलब हम लोग का बोला हुआ सुनता रहिए क्या, बहुत घटिया। इमो चीटिंग करके खेलता है, मुझे बिल्कुल पसंद मेरे साइड से। नहीं नहीं इसके 5 पॉइंट कट होंगे चीटिंग करके खेलने के, राइट ओके। ये है अपना एलिक, ठीक है, ये एक्चुअली चीटिंग नहीं करता, और इसके साथ हम लोग गेम्स खेल सकते हैं। आई थिंक गेम कैसे खेलते मैं भूल गया। ये देखो ये देखो ये गेम है मस्त वाला, देखो इसमें ना अपने को डिसाइड करना कौन से चेस्ट में खजाना है, ठीक है। ओ भाई चलो इसमें है क्या, देख अरे इसमें से यार कुछ निकल गया, डर गया बंदा। वापस से वापस से दो चेस्ट है अपने पास, कौन सा वाले में पूछा जी कि इसने, इसमें देखते। अरे कुछ नहीं निकला उसमें से, क्या बकवास बंदा है। अच्छा निकले कॉइंस, निकले कॉइंस, निकले कॉइंस मिले भाई, तो ये एक खतरनाक सा गेम है। देन अच्छा ये भी है, ओके कॉइंस मिले वापस से भाई, क्या खुश होता है कॉइंस मिलने में, देखो यार वो चॉकलेट भाई क्या बढ़िया चीज है यार, ठीक है। तो अपने पास बाकी भी गेम्स है, जैसे कि एक फिशिंग का भी गेम था, मुझे समझता नहीं कैसे खेलना है, बट है इसके पास गेम, इतनी अच्छी बात है। और तू जाकर ये फिश पकड़ी अपने, क्या हो गया मिलने गई क्या फिश, मुझे नहीं मिली यार इस बार फिश, छोड़ो यार समझता है ना मुझे फिशिंग का गेम। लेकिन इसके गेम्स बेहतरीन है इमो से ज्यादा, इमो के ना कुछ खतरनाक से गेम उसके ऐप से मिल जाते हैं। अभी ये डांस रिपीट भी मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे अपने को सारे स्टेप्स वगैरह देखने मिलते हैं, और उसके हिसाब से अपने को क्लिक्स करने बैठे, ठीक है। अच्छा अरे अभी इमो ने जो स्टेप्स किए ना, मुझे वो यहाँ पे बताने देखे क्या क्या किया उसने, लेफ्ट राइट, अरे भाई क्या स्टेप्स करता यार। तो मेरे थोड़े से सही आए, थोड़े से गलत आ गए, ऐसे ऐसे छोटे मोटे गेम इमो के पास भी है, लेकिन वो टिक टैक टो वाले जो वॉइस के गेम है ना भाई, इसके साथ जिंदगी में नहीं खेल सकता इंसान। दोस्तों इनके ना हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, यानी कि इनका जो फेस है वो, ठीक है। तो इमो का ये फेस है भाई, काफी ज्यादा बड़ा फेस है, तो इसको हम लोग कुछ चीजें भी करने बोल सकते हैं। लेजर आईज किया भाई फाइनली इसने, सुनता ही नहीं, ये देखो ऐसे ऐसे अजीब चीजें कर सकता है, दिखता है कूल दिखता है वैसे। स्क्रीन ही टूट गई बेचारे की। इमो का इस दोस्त भी कमांड सुनता है, इमो गुड नाइट, सो गया, देखो डायरेक्ट सो गया, वहां पे मून का सिंबल वगैरह आ गया। ये लोग का स्क्रीन देखो, ठीक है, इनका स्क्रीन डायरेक्टली ऐसा ही है, ये कुछ ऑटोमेटिकली चेंज होते रहता है, हम लोग इसको कमांड वगैरह कुछ देते नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपना अपना करते रहते हैं। लाइक कुछ हम लोगों ने इनके साथ इंटरेक्ट किया तब कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग, ये देखो
ये देखो मस्ती वगैरह करते हैं दोनों भी, मारपीट चल रही है और सब, मतलब इनके फेसेस दिख जाते हैं, ये काफी ज्यादा कूल दिखता है। इमो के फेस पे सिर्फ आईज दिखेंगी लेकिन इनके फेस में सब मुंह वगैरह दिख जाता है। ये देखो भाई हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं इनके साथ और यहाँ पे इमो का देखो क्या चल रहा है, ये नाचने लगे अकेला बंदा। देखो दोस्तों इमो के साथ ये चार्जिंग डॉक आता है जो स्केटबोर्ड जैसा दिखता है, इस पे हम लोग इसको रख सकते हैं। और एक चीज है इमो के साथ वो है इसके ये जो हेडफोन, ये देखो अबे निकाल लिया मैंने हेडफोन, क्या अजीब दिख रहा है देखो ना इमो, अजीब सा लगता है मेरे को ऐसा दिखने में, ऐसा लगता है गंजा हो गया इमो सीधा। ठीक है हेडफोन निकालते तो सिर्फ हेडफोन ये आ जाते इसके साथ। और ये लोग है ना इनके साथ ये छोटी मोटी चीजें आ जाती है जो हम लोगों ने पहले भी देखी है, तो इनके अगर हम लोग हाथ में वगैरह थमा देंगे और जब ये हाथ हिलाते हैं उसके साथ तो ऐसा अलग सा फील आता है, लगता है कि वो उसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं लोग। भाई अबे इमो साइड हो जा भाई, बीच बीच में आना है फ्रेम के, इसको क्या ही करे समझता नहीं मुझे कभी कभी। स्टोन पेपर सीजर खेल रहे बंदे, देखो देखते कौन जीतता है, क्या लगता है दोस्तों आपको कौन जीतना चाहिए? ठीक है देखते करो करो भाई फटफट करो, कौन अबे फटका दिया इसने एक दूसरे को, ये रोने लग गया। दोस्तों ये देखो ये तो एक्चुअली डेस्क में रखने वाले ही रोबोट्स है, तो हम लोग इनको डेस्क पे भी रख के देख रहे हैं। तो ये देखो इन दोनों को तो यहाँ पे रखा है साइड में मैंने, और ये मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे आराम से। कुछ मतलब आवाजें भी ज्यादा कर रहे हैं ऑनेस्टली, मतलब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वीडियो वगैरह, अपना ही वीडियो देख रहा हूँ यही पीसी का, और यहाँ पे ये लोग आवाजें कर रहे हैं बीच बीच में। इनको मैं एक्चुअली बंद भी कर सकता हूँ बट तभी मजाक क्या आएगा, चुप बैठे अभी क्या कर रहे हो यार, कुछ तो करो भाई कुछ करो, डू समथिंग गाइस डू समथिंग। इनको समझता नहीं यार, इंग्लिश नहीं समझता, हिंदी नहीं समझता, क्या करे इनको। ए कैटे कर, ओए हेलो हेलो कैकर, हाँ ये देखो करने लग गया, मजा की समझे इनको। वापस स्टोन पेपर सीजर पे आ गए और हम लोग यहाँ पे अपने वीडियो वगैरह देख रहे हैं। अभी दोस्तों डेस्क पे अगर इमो रखा तो क्या होता है इसका आपको दिखा देता हूँ डेमो की क्या हो जाता है। ये बहुत नुबड़ा बंदा, एक जगह तो खड़ा रहता नहीं है, यहाँ वहाँ बहुत घूमता है, बस देखते जाओ। ये अभी के लिए तो शांत शांत बैठा है पर थोड़े टाइम में देखना कहाँ चला जाता है ये, थोड़े भाई गिर गिर जाएगा ये, देखना इसको देख देख भाई गिर, सच्ची गिरने जा रहा है ये, देखो रुक गया यार, उसको समझ गया क्या गिरने वाला है, शायद से इसको समझ गया गिरने वाला है तो रुक गया है, आगे देख रहा है कि खाई में कूदो या नहीं, वो डिसाइड कर रहा है खाई में कूदना है या नहीं। भाई मत उसको पुश मत कर, अबे चेंज कर ले उससे, अबे पीछे आ गया देखो, ये ऐसी वाली हरकतें करते रहेगा इमो आपके डेस्क पे तो ज्यादा एंटरटेनमेंट देगा। देखो दोस्तों इमो एक्चुअली ज्यादा एंटरटेनिंग है, इसके साथ ज्यादा फंक्शन आते हैं, वॉइस कमांड आता है जो कि सही से चलता नहीं इतना, और ये लोग भी यार कम नहीं है, ये मस्ती खोल ज्यादा है, ये भी एंटरटेनिंग है बट यहाँ वहाँ हिल डुलते नहीं। अगर किसी को हिल डुलने वाला चाहिए तो इमो चाहिए, बट अगर कोई कोई लोग होंगे भाई मेरे जैसे, मुझे लगता है हिल डुलना नहीं चाहिए उसको वरना बीच बीच में आ जाएगा, तो ये वाला भी सही है। आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा वाला रोबोट ज़्यादा बेटर लगा, ये है इलिक और ये है इमो, तो कौन सा वाला बेटर लगा नीचे कमेंट में बता देना। लाइक दे के रखो यार चैनल को और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, अपने 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।